वेलकम बैक टू नेहा विगन चैनल। और आज है तीसरा नवरात्र और आज हम आए हैं माता के मंदिर तरलोकपुर। तो आज बहुत भीड़ है, हस्बैंड भी आए हैं। सभी भाइयों को जय माता दी। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज हम आए हैं तरलोकपुर हमारी कुल की देवी बाला सुंदरी के दरबार में मत्था टेकने। तो अभी उतरे हैं गाड़ी से, बहुत भीड़ है और उन्होंने पार्किंग बहुत पीछे अब की बार लगवा दी है, तो बहुत दूर पैदल जाना पड़ेगा। पहले तो गाड़ी ऊपर जाती थी सीधा, तो अब गाड़ी थोड़ा बहुत पीछे लगवा दी है। तो हम दिखाते हैं आपको, आगे जाके दिखाते हैं आपको। केवी आया मेरे साथ। केवी मजा आ रहा है? मजा है? केवी थक गया। तो गाइस हमने अब दुकान से प्रसाद लिया, तो हम जा रहे हैं आगे माता के दरबार में। आगे दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी भीड़ है। तो आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको माता जी का दरबार और भानु भगत जी का मंदिर। पहले यहाँ पे मत्था टेकते हैं, फिर आगे माता पे जाते हैं। तो आगे जाके फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। थक गए अभी हम चलते चलते, काफ़ी ऊँचाई पे आइए। थक गए भाई, बहुत दूर गाड़ी पार्किंग करा दिया। पहले तो सीधा दरबार में गाड़ी आके रुकती थी, अभी पैदल आना पड़ा बहुत दूर से। ये प्रसाद है, यहाँ पे भैया बैठे हैं प्रसाद वाले, जगह जगह पे काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है इस बार। और बाकी पता नहीं मंदिर की बनाने देंगे या नहीं, देखते हैं अभी अंदर जाके क्या होता है। सब जगह पे प्रसाद ही प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। थक गए अभी हम चलते चलते, काफ़ी ऊँचाई पे आइए। थक गए भाई, बहुत दूर गाड़ी पार्किंग करा दिया। पहले तो सीधा दरबार में गाड़ी आके रुकती थी, अभी पैदल आना पड़ा बहुत दूर से। ये प्रसाद है, यहाँ पे भैया बैठे हैं प्रसाद वाले, जगह जगह पे काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है इस बार। और बाकी पता नहीं मंदिर की बनाने देंगे या नहीं, देखते हैं अभी अंदर जाके क्या होता है। सब जगह पे प्रसाद ही प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। ये मंदिर है माता जी का। डोरी बांध रहे हैं, जब भी मन्नत मांगते हैं ना, मन्नत मांग तो डोरी बांधते हैं मन्नत मांगते हैं। ये माता का मंदिर है, ये माता का मंदिर है। अंदर वीडियो नहीं बनाने देंगे, अलाउड नहीं है। पूरी होती है, लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए शेर के कान में अपनी मन्नत मांगते हैं, और लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए उनके शेर के कान में बोल रहे हैं। माता
माता रानी का शेर। कहते हैं कि कान में कोई भी आपकी इच्छा हो उसको बोलो, पूर्ण होती है। जय माता दी, जय माता, जय माता मन। दिन में से आ गया मत्था टेक के, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दी वहाँ पे। अब हम जा रहे हैं बाहर मेला देखने। आ जा केवी, ये देखो ऊँट, ऊँट की सवारी। हाँ काटेगा नहीं उसके वाला लगा। बैठ जा, तुम बैठ जा, बैठ जा, बैठना केवी ऊँट के ऊपर। अब हम आ गए हैं मंदिर से नीचे उतर के। बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा है, हालत ख़राब होगी चलते चलते। बहुत दूर से आए हैं, पार्किंग बहुत दूर है, तो ये गए हैं गाड़ी लेने के लिए। और मैं यहाँ बैठी हूँ वहाँ एक अंकल के पास, पुलिस अंकल के पास। थक गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर। सो गाइस, तो हम आ गए थे दोपहर 2:30 बजे करीब आ गए थे वहाँ से, त्रिलोकपुर से। उसके बाद मतलब इतनी दूर पार्किंग थी ना, पार्किंग आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पैदल आना पड़ा बहुत दूर। हम फर्स्ट टाइम गए थे नवरात्रों में। वैसे तो हम कई बार जा चुके हैं पर नवरात्रों में पहली बार गए थे। नवरात्रों में हम पहली बार गए थे और इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा रश था, दूर दूर से लोग आए हुए थे, पुलिस भी बहुत सारी थी। और ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं बनाने दी क्योंकि पुलिस भी थी, वो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और इस वजह से ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता पब्लिक प्लेस में कोई मतलब कुछ बोल दे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये है वो है, तो अच्छा नहीं लगता। खुद कोई पब्लिक प्लेस में ऐसे कोई डांट दे तो डर के मारे ज़्यादा नहीं बनाया। पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं, तो कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी लगी है आपको। क्योंकि मंदिर के अंदर भी अलाउड नहीं थी बनाना, बाहर से थोड़ी थोड़ी बनाई है। पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी, हर जगह लेडीज़ पुलिस थी और दूसरी जेंट्स पुलिस भी थी जगह जगह पे, क्योंकि वो रुकने नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम नवरात्र में पहली बार गए थे वहाँ पर मत्था टेकने, प्रसाद चढ़ाने। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।